Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं तत जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। मां विष्णुपाद कृष्णपृष्ठा भूपदेशमते भक्तिग्रांत स्वामिनी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी माता जी और प्रभु जी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरे को आशीर्वाद दें, फिर मैं अब ध्यान पूर्वक और बहुत अच्छी तरह से मैं ये जो भी शास्त्र को प्रस्तुत कर सकूँ और भगवान की वाणी को और मैत्री मुनि के वाणी को मैं प्रस्तुत कर सकूँ। हरे कृष्णा। पहले मैं श्लोका और ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, फिर हम पर्पट के हिसाब से एक एक श्लोका को टच करेंगे। तो पहला श्लोक कैंटो 3 12वां अध्याय और पहला श्लोक। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितः शतः कालख्यः परमात्मनः महिमा वेद गर्भोऽथ यथा स्रक्षिन्निबोध मे। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विद्वान विदुर, अभी तक मैंने तुझसे काल रूप भगवान की महिमा की व्याख्या की है, अब तुम मुझसे समस्त वैदिक ज्ञान के आगर ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो। दूसरा श्लोक। जसर जागरे अंध तामिश्रम अथ तामिश्रम आदिकृत महामोहम च मोहम च तमश्चाग्न्यान्य वृत्तयः। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसे अविद्यापूर्ण वृत्तियों के रचना की। तीसरा श्लोक। दृष्ट्वा तु पापी यशीम सृष्टिम नात्मानं भव अमन्यत भगवत ध्यानेन पूतेन मनसन्याम ततो सृजत। ऐसी भ्रामक सृष्टि को पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा जी को अपने कार्य में अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ, अतएव उन्होंने भगवान के ध्यान द्वारा अपने आप को शुद्ध बनाया, तब उन्होंने सृष्टि की दूसरी शुरुआत की। तो आज हम देखने वाले हैं सृष्टि, ब्रह्मा जी की जो सृष्टि उन्होंने बनाया। हम जानते हैं कि उन्होंने महत्तत्व बनाया था, 5वां अध्याय में हम पूरे अच्छे से महत्तत्व आया, तो महत्तत्व कैसे वो फॉल्स ईगो बना, और फिर हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वो फिर वो तीन गुण कैसे बने और तीन गुण के जो मिलते हैं जो उससे मन कैसे बना, उससे ईगो कैसे बना, हम बहुत अच्छे से हम वो भी जानते हैं कि वो जब ये महत्तत्व के गुण एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या क्या बनाते हैं। कोई आकाश बनाता है, कोई हम जो कर्म इंद्रिय है उनको बनाते हैं, तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये पहले अध्याय में हमने जाना है। तो आज हम पहले श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम जैसे कि जानते हैं कि 11वां अध्याय में हमने काल के बारे में सुना, जो भगवान मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हमने पहले काल के बारे में सुना। तो काल क्या है, वो स्वयं भगवान है, और हमने जाना कि वो कहाँ रहता है। वो ये जो है ये
अनुभूत कराते हैं, जो सारे जीव है, जो भौतिक सृष्टि में सारे जीव है, उनको अनुभव काल के रूप में होता है। एक काल के रूप में उन लोगों को अनुभव होता है कि ये भगवान के कारण ये दुनिया आगे चल रही है। और ये काल कैसा है, सब तोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रक्शन है, इट्स अ फैक्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये मतलब कुछ भी चीज़ रुक नहीं सकती। कि साइंस में भी एक एंट्रोपी नाम का एक थियोरी है कि अब कुछ भी टाइम में रखो वो थोड़ा टाइम खराब हो जाता है। तो फिर हमने देखा कि इसका पर्पस क्या, हम वो भी जानते हैं। हमने वो भी देखा क्या इसके मेजर किया जा सकता है, क्या आप कोई में से मेरे को इसका आंसर दे सकता है कि टाइम को कैसे मेजर किया था। मतलब वह एग्जैक्ट टर्म नहीं पूछ रहा, सब बेसिक क्या होता है, मतलब अगर टाइम को मेजर करना पड़े। हमने तो देखा था हम पॉट में वो ऐसा ये डाल के कर सकते हैं, बट बेसिकली अगर डेफिनेशन पूछा काल क्या है, वो तो हम जानते हैं कि भगवान है, बट स्टिल कोई में आप कोई बता सकता है कि एक छोटा सा डेफिनेशन भागवतम में टाइम कैसे मेजर होता है। प्रभु जी आपका प्रश्न क्या है? प्रभु जी वापिस रिपीट करोगे? हम मतलब काल का छोटा सा मतलब टाइम हाउ वी मेजर, मतलब टाइम का छोटा सा डेफिनेशन बताओ, मतलब ऐसा शॉर्ट में मतलब क्या है टाइम? मतलब जो सूरज एक एटम को पास करने के लिए जितना टाइम लेता है वो टाइम है, मतलब उसके बेसिस पे टाइम कैलकुलेट होता है, और वो भगवान का एक करेक्ट प्रभु जी एनर्जी, भगवान की एनर्जी है वो, एकदम मूवमेंट ऑफ एटम्स। तो हम लोग ने ये सब पहले वाले अध्याय में पढ़ा। तो हम तो अभी ये प्रश्न भी आता है कि मैत्रेय मुनि ब्रह्मा जी के बारे में क्यों बोलना चाह रहे हैं, कि हमें ब्रह्मा जी के बारे में क्यों सुनना है। इधर लिखा है एकदम अच्छे से कि वी हैव टू टॉक अबाउट द क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा। तो हम पहले जानेंगे कि ब्रह्मा जी क्या है। ये महाजन है, इज अ सुप्रीम मतलब सुप्रीम डिवोटी, ही इज अ वेरी गुड डिवोटी। वो भगवान के एकदम मतलब भगवान ने जो उनका भी हम देखते हैं उनका जन्म कैसे हुआ था, वो कमल से निकले, उन्होंने फिर उन्होंने मतलब उन जैसे भक्तों के बारे में हमें सुनते हैं कि वो कैसे भगवान के संपर्क में आए, तो वो हमें भी प्रोत्साहित करता है कि हमें भी ऐसा कार्य करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी भी कमल के नीचे ऐसा उतरने का उन्होंने प्रयास किया, फिर देखे बट सब जगह अंधकार था, तो उन्होंने तप सुना, उसे वो ध्यान में लग गए। तो हमें ये सब जानना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि कैसे उन्होंने भी भगवान को अपने इंद्रियों के माध्यम से जानना चाहा बट वो नहीं कर पाए। तो वो हमारे एक रोल मॉडल है। और वो और अच्छा रोल मॉडल क्यों करते हैं, क्योंकि वो भी काल के प्रतिकूल है, उनको भी काल के अंदर ही काम करना पड़ता है, बट उनका मूड कैसा है, वो काल को अपना मतलब हाँ ये भगवान की शक्ति है, ये खुद स्वयं भगवान ही है, तो मुझे कुछ इफेक्ट नहीं हो। उन्हें भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, बट वो कैसे उनका मूड कैसा है, वो हाँ ठीक है मेरे को काम है, ऐसा ऑफिस में मतलब जाना है, मेरे को उठना है, मेरे को सृष्टि की रचना करनी है, वो ख़त्म हो जाएगा वो सब। और वो दिन भर काम करते हैं, वो हर दिन काम करते हैं, इसकी जैसे वो एक बहुत अच्छा डिवोटी का लक्षण है, उसको कार्य करना चाहिए, उसको सेवा करनी चाहिए, कभी भी ऐसा रुकना नहीं चाहिए, थम नहीं जाना चाहिए। जैसे कि ऐसा मूवीज वो सब में देखते हैं ब्रह्मा जी को ऐसा दाढ़ी वाला दिखाया गया है और हाथ में कमंडलू और ध्यान कर रहे, बट नो, ब्रह्मा जी इज ऑलवेज वर्किंग, ही इज वर्किंग कि सृष्टि को कैसे ये करे वो करे, फिर उसमें बीच में देवी देवता आ जाते हैं उनके पास, ब्रह्मा जी आपने उसको ऐसा वर्क क्यों दिया वैसा वर्क क्यों दिया, तो और भी होता है, फिर वो शिव जी के पास भी जाते हैं, तो ही इज ऑलवेज वर्किंग। और वो कैसे काम करते हैं, भगवान के आदेश अनुसार, जो भगवान ने बोला अच्छा ये बनाओ वो बनाओ, तुम्हें ये तत्व बनाए वो बनाना है, तुम्हें भगवान उनको बोलते हैं कि हम देखते हैं कि भगवान भी ब्रह्मा जी की प्रशंसा करते हैं, तुम हमेशा मुझे याद रखते हो इसलिए तुम बहुत अच्छी तरह से वो कार्य करोगे। और फिर ब्रह्मा जी प्रे करते हैं नौवें अध्याय में कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं एक ये जो भौतिक सृष्टि बना रहा हूँ, मैं उसके बारे में मेरे को प्राइड ना हो, मेरे को प्रेस्टीज ना हो, मेरे को अहंकार ना हो कि मैंने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, तो मैं आपसे प्रे करता हूँ, वो भगवान से प्रे करता हूँ। सो दैट्स वाई इज़ अ वेरी गुड रोल मॉडल फॉर अस डिवोटीज टू यू नो हियर अबाउट हिम। दैट्स वाई कि इसीलिए मैत्रेय मुनि बोल रहे कि तुम सुनो,
विदुर जी को बोल रहे कि तो आपको सुनना चाहिए। तो हम देखते हैं कि मैंने कहा कि भगवान के आदेशानुसार काम करते हैं। तो ये आदेश, ये ऐसा आदेश नहीं है कि एक व्यक्ति भौतिक सृष्टि में दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है। तो हम देखते हैं कि वो एक आदेश दे रहा है, जैसे कि बॉस अपने इसको बताता है कि तुम ये काम करो। तो हम सुनते हैं उसके मुंह से कि अच्छा। तो यहाँ पे दो प्रकार के साउंड साउंड रहते हैं। ये साउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्वनि। हाँ, तो एक होते हैं भौतिक ध्वनि, कहाँ जा सकता है, और एक एक जो भौतिक नहीं है वो आध्यात्मिक है। तो हम देखते हैं कि भौतिक ध्वनि, हम एक दूसरे से बात करते हैं कि हाँ, एक दूसरे को ऑर्डर देते हैं, ये बॉस एक ऑर्डर देता है तो हम सुनते हैं। बट भौतिक ध्वनि को कहा जाता है पराकृत ध्वनि। ये जो हम आकाश में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, हम बोलते हैं, जो उच्चारण करते हैं, वो वाइब्रेट होता है। वो वाइब्रेट होके फिर वो सामने वाले को पहुंचता है उसके कानों में, और फिर हम सुनते हैं। तो बट ये क्या है, अपराकृत, जो ब्रह्मा जी ने सुना है वो अपराकृत ध्वनि है। वो ब्रह्मा जी ने अपराकृत ध्वनि सुनी है, वो कैसे, उनके हृदय में से। उनको भगवान ने हृदय में वो ज्ञान दिया। उन्होंने मतलब, हम ऐसा नहीं कि वो सब बैठे थे फिर अचानक से काल ऐसा, वो सब दिखाने के लिए, फॉर अस अंडरस्टैंडिंग। बट दिस इज अपराकृत ध्वनि। ये ऐसा मटीरियल नहीं है, ये ऐसा मतलब वी कैन नॉट फील दिस जस्ट बिकॉज हम कर्म इंद्र से जान ही नहीं सकते। जब तो फिर यहाँ पे मेरा 12 महाजन का कोर्स था, उसमें ब्रह्मा जी को मतलब बताया गया कि उन्होंने ये सुना कैसे। तो क्वेश्चन किसी ने पूछा था, तो बोले हैं क्योंकि ही वॉज सरेंडर टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, इसीलिए उनको हृदय में आया। उन्होंने भगवान ने जो कार्य किया इसीलिए। इससे कि एक और एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक पास टाइम है, कि गौर गोविंद स्वामी महाराज ने जब उनके शिष्य पूछते थे, मतलब क्वेश्चन करते थे, तो गौर गोविंद महाराज ना उनको पहले बोलेंगे मैं तुम्हें डंडी से मारूंगा, क्वेश्चन मत पूछो। जो भी इंडियन डिसाइपल, जो उन ब्रह्मचारी होते, तो उनको बोलते यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चन, मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। क्यों? तो फिर दी ही यूज टू ओनली अलाउ ओनली फॉरेनर डिवोटीज, क्योंकि वो चाहते थे कि जो ये डिवोटीज है वो पहले अपनाएं भक्ति को, अप्लाई करें, फिर दे शुड आस्क मतलब क्वेश्चन। ऐसा पहले से ही क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ डाउट होता है, और ये सब डाउट रहता है, इट्स ऑल्सो मतलब वो क्या दिखाता है, वो किसका साइन है, वो इग्नोरेंस का। क्योंकि हम पहले से इतना सब क्वेश्चन पूछ लेंगे, फिर हम नाप लेंगे कि भक्ति ऐसा ऐसा चीज़ है, ये एक दो है, इसमें ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये मेरे कर्म इंद्रिय का मतलब संतुष्टि नहीं देगा तो नहीं करें। नहीं, गौर गोविंद महाराज चाहते थे कि लोग इसको अपनाएं, इसको देखें ये क्या है, इसको समझे। इसीलिए हम, ब्रह्मा जी भी एक बहुत अच्छे रोल मॉडल है इन टर्म्स ऑफ, उन्होंने त प सुना, उन्होंने सीधा चालू कर दिया। तब हम ऐसे नहीं, ये त और प ही क्यों बोला, हम रहते तो हम ऐसे त प ही क्यों बोला, ओम बोलना चाहिए था, कुछ और बोलना चाहिए था, यही क्या इस पे ध्यान दो, नहीं तो वैसा उन्होंने दिया था। तो वहाँ पे ये भी कहा, जो ये अपराकृत जो ध्वनि है, ये अपराकृत हमें हृदय में आती है। तो ये जो ध्वनि है हमारे हृदय में प्रकट हो गए। अभी हम तो अभी तक बहुत कच्चे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर से जो आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये हमारे के अंदर अभी हम शुद्धता नहीं हुए हैं, तो हमारा वो कहाँ से आ रही आवाज़ हम नहीं जान सकते। वो हमारे अहंकार से भी आ सकती है, हमारे मन से आ सकती है, हमारे जो इंद्रिय है वो इंद्रिय हमारे मन को कंट्रोल में आके हम लोग को आवाज़ दे सकती है कि तुम ये करो वो करो। जैसे किसी की कभी कभी हम जो हमारे सीनियर डिवोटी है उसका बात नहीं सुनते, अपने मन की करते। क्यों? क्योंकि हमारे वो मन की आवाज़ रहती है, तो हमें वो मन की आवाज़ को तो तब तक नहीं सुनना चाहिए जब तक मतलब वो हमें वो समझ में आ जाएगा कि क्या कौन क्या मन की आवाज़ है, क्या भगवान को ये करेगी। और फिर ऐसा भी प्रश्न उठाते हैं जो भौतिकवादी लोग हैं कि आपने तो ये अब जो मतलब ये है कि आपने तो भगवान का सिर्फ भगवत गीता आपने सिर्फ प्रिंटेड पढ़ा है, नहीं तो आपके गुरुदेव ने बताया, नहीं तो श्रील प्रभुपाद ने बताया। सिर्फ एक मतलब बोलते हैं ना, एक ट्रेडिशनल एक जन से दूसरे जन पे आ रही है, बस आपने एक दूसरे को बोल रहे हो, समझा रहे हो। तो वही हम उनको भी चैलेंज करके बोल सकते हैं, 2 + 2 = 4, वो उन्होंने भी अपने टीचर से सीखा, ABCDEFG यही ऑर्डर में होना चाहिए, वो हम लोग ने सब अपने टीचर से ही सुना, उन्होंने भी अपने टीचर से सुना। तो उनको पूछने का कि
आपने स्टार्ट में LMNOQPR क्यों नहीं चालू किया, नहीं तो A के बाद B ही क्यों होता है, क्यों होता है भाई? वो भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। कुछ भी ज्ञान लेना है उसका पहला है, पहला जो स्टेप है वो है फेथ, वो है भरोसा, वो भरोसा करना रहता है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि अभी आप बस में बैठे हो, आप टिकट लेते हो, तो आपको वो भरोसा ही करना पड़ता है, हाँ मेरे को टिकट मिला है तो मेरे को रुकना ही पड़ेगा, वो स्टेशन में मेरे को पहुंचाएगा कि नहीं। वो अभी बस वाला है, वो आपके मतलब वो आपको इतना भरोसा रखना ही पड़ेगा। आप बार बार जाके कंडक्टर को नहीं पूछ सकते, नहीं तो आपका ट्रेन का टिकट वाले को, TC को नहीं पूछ सकते या बराबर जाओगे क्या, नहीं इधर से जाओगे क्या, नहीं 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 आपको रुक के बैठना ही पड़ेगा, आपको कोई चॉइस नहीं है, आपको फेथ रखना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी जो भी मुंबई में रहने वाला, नहीं तो कोई भी है, उसको मतलब अभी किधर जाना है, A to B, जैसे कि अहमदाबाद जाना है, गुजरात जाना है, वृंदावन जाना है, उसको जाके उधर रुकना तो पड़ेगा, वो सोचते हैं हाँ ट्रेन आएगी, ये भी फेथ है। तो कुछ भी हो, भौतिक हो आध्यात्मिक हो, फेथ करना पड़ता, वो हमारे कुछ ऐसा है नहीं। तो दिस वॉज एक्चुअली, और हम ये समझ सकते हैं कि हम कैसे अपराकृत ये ध्वनि को सुन सकते हैं, हमारे गुरुजनों से, हमारे सीनियर डिवोटी से, क्योंकि हम परंपरा का, जितना परंपरा के बारे में बात करेंगे नहीं तो परंपरा का ज्ञान अपने इस पे उतारेंगे, वो अपराकृत ध्वनि है जो भगवान के मुख से आ रही है, वो हमें महसूस कर, हम महसूस कर पाएंगे उसको। इसीलिए जो डिवोटीज एकदम जो एलिवेटेड है वो बहुत खुश रहते हैं अपने ज़िंदगी में, क्योंकि वो वही अप्लाई करते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होता है, ये होता है, वो होता है। जयपता का स्वामी महाराज, ही इज़ फॉलोइंग द डिसिप्लिक सक्सेशन, इतना प्रॉब्लम है उनको, मटीरियल लाइफ प्रॉब्लम है, तो भी ही इज़ कंटेंटेड, वो भी और प्रचार करते हैं उल्टा। हम इतना नॉर्मल होके भी प्रचार नहीं कर पाते जितना वो डबल करते हैं। और फिर हम दूसरे इसमें चलेंगे, दूसरे श्लोक पे। तो दूसरा श्लोक, एक मिनट, दूसरा श्लोक है कि हम देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी, सॉरी ब्रह्मा जी सर्व प्रथम ये 5 चीज़ों को बनाते हैं, जो है आत्म प्रवंचना, मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति, जैसे अविद्या प्रणवृत्तियों की रचना की। तो हम जान सकते हैं कि जो हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे। तो पहले पर्पट के बारे में श्री प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, तो हम उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पर हम ये उस पर हाईलाइट करेंगे। तो भौतिक जीवन का पहली शर्त है वो अपने असली स्वरूप की विस्मृति करना। तो ये भौतिक जो बना रहे हैं, जो हमें जिसमें जीव को डाले जाने वाला है, तो वो कैसा, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होंगे, वो हमने वो ट्रांसलेशन में पढ़ा। तो उससे पहले क्या होगा कि उसकी विस्मृति होगी, फॉरगेटफुलनेस, वो इतना भूल जाएगा, उसको कुछ याद ही नहीं रहेगा कि वो क्या है, वो किधर से आया, वो क्यों है। हम देखते हैं ना, किसी को कुछ याद नहीं रहता, एंड मतलब वो चाहता भी नहीं कि ये सब पढ़े, वो उसकी इच्छा भी नहीं होती ये सब करने की। और फिर यहाँ पे और लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीव की को समस्त भौतिक संसाधन इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि वह शांतिपूर्वक रह सके और बद्ध जीवन में आत्म साक्षात्कार के कर्तव्य को निभा सके। तो ब्रह्मा जी ने हमें क्यों डाला इधर, कि हम ये भौतिक जो प्रकृति है उसमें हम मतलब हम बद्ध है, बट एट द सेम टाइम हम खुश भी रहे, इसलिए उन्होंने ऐसे संसाधन किए हैं कि हाँ इनको मतलब भगवान से अलग होकर उनको एन्जॉय भी करना, तो एन्जॉय भी दिया है और उसको दुख भी दिया कि वो बद्ध रहेगा, वो पूरी तरह एन्जॉय नहीं कर पाएगा। बट उसमें वो भगवान को मतलब फिर क्या है, थोड़ा खुश होने के कारण वो खुद को भगवान के समान सोचने लगता है, इसलिए वो खुश नहीं हो पाता, इसलिए वो बद्ध रह जाता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मा जी ने बनाए क्यों, और भगवान ने भी ऐसा ऑर्डर क्यों दिया कि क्रोध का मतलब हताशा के बाद क्रोध, मृत्यु का भाव और सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना। तो पहला हमें जानना चाहिए कि जैसे किसी ने खेती खेती का प्रोसेस में हम पहला क्या करते हैं, आप कोई बता पाएगा?
हरे कृष्ण प्रभु जी, पहले सॉइल रेडी करते हैं। वेरी गुड अमित प्रभु। हाँ, सो दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पहले हम सॉइल करते हैं वो, फिर उधर से हम लोग पहले अगर समझ जंगल है तो वो जंगल को खाली करेंगे, वो काटेंगे, फिर वो सॉइल को हम खोदेंगे, वो हल से उसको ये करेंगे, सींचेंगे उसको, फिर उसमें अगर उसमें टेस्टिंग करेंगे कि वो सॉइल बराबर है कि नहीं, फिर बहुत अच्छी तरीके से जांच वाच करेंगे, तो हम ये क्या रेडी कर दे। तो ये ब्रह्मा जी का भी वही है, इधर हमें वो जीव, सारे जीव को लाना है, तो उसके पहले वो सब वो बना रहे कि ये जीव रहेगा किस में। तो हम पहले भी देख चुके 5वें अध्याय में कि वो 3 गुण बनाते हैं। हाँ, तो महत्त्व से वो 3 गुण आते हैं, फिर वो 3 गुण वो सारे सेंसेस का ये जो फीलिंग्स है वो करते हैं। बट ये जो 5 है वो इग्नोरेंस, ये जो रहता है जैसे कि जीव, जैसे ही बिग बॉडी मिलता है वो जीव को ये 5 इग्नोरेंस चिपक जाता है, वो कवर कर देता है, इतना घटते तरीके से कवर करता है। हम जो सोल के कवरिंग्स में भी जाते हैं तो सबसे बाहर का कवरिंग है जो ये हमारा बॉडी, जो हम देख पाते हैं, समझ पाते, सुन पाते, मतलब जो एकदम टच कर पाए, हम देख पाए, एकदम ऐसे दिखे, उसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। फिर हम देखते हैं सटल बॉडी, तो सटल बॉडी का जो ये इफेक्ट्स है ये सब देगा, ये आत्म प्रवंचना, मृत्यु का भय, ये सब इसके कारण ही आता है, मतलब इसको ही इफेक्ट करेगा सटल बॉडी को। क्योंकि फिर वो देखो, फिर हम देखते हैं कोई कोई बाहर से तो ठीक है, एकदम हेल्दी फिट रहेगा, पर उसको मन का प्रॉब्लम्स रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो आजकल का जो बहुत मतलब रिसेंट ट्रेंड है साइकोपैथ, वो बाहर से दिखने के लिए अच्छे सारे कार्य करेंगे, नेता लोग इतने अच्छे रहते हैं, हाथ मिलाएंगे, ये करेंगे, पर बाद में मालूम पड़ता है वो डॉक्टर ऐसा था, वो नेता ऐसा था, वो ऐसे ऐसे कार्य करता था, ब्लैक मनी का उसका रैकेट था, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का रैकेट, तो फिर ये सब रहता है और डीप डाउन रहता, तो हमें देख भी नहीं पाते। तो चैतन्य चरण प्रभु जो आत्म प्रवंचन है उसके बारे में देखते हैं, वो बोलते हैं ये आत्म प्रवंचन हमें 3 स्तर पे हमें इफेक्ट करती है, हम उसके शिकार हो जाते हैं। तो पहला है हमारा इरादा ही धोखा देने का रहता है। हम क्यों धोखा देना चाहते हैं? क्योंकि हम अच्छे लगे दूसरों को, हम किसी, हम भगवत गीता का श्लोक सब जाके बाहर बता देंगे कि हाँ, पहला ही श्लोक बता देंगे, पहला श्लोक क्या है, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, थोड़ा संस्कृत बता देते तो इम्प्रेस हो जाते, भाई क्या बता दिया। तो वी ट्राई टू अपियर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो अब हम थोड़ा अपियर स्मार्ट करेंगे तो हमें थोड़ा स्वामित्व का भावना मिलेगा और फिर हम बता पाएंगे कि हम इससे ज़्यादा एकदम ये है। फिर ऐसे ऐसे करते करते और फिर तीसरे स्तर में होता है कि वो सक्सेस हो जाता है, वो हाँ अच्छा हो जाता है कि हाँ भाई इसने मतलब बना दिया, ही इज़ अ वेरी बिग सीनियर, इसको भगवत गीता का ये श्लोक आता है, वो श्लोक आता है, बट एक्चुअल में वो साधना नहीं करता, कुछ नहीं करता। बट तो फिर उसके पास 2 विकल्प रह जाते हैं, एक तो है वो सच्ची में साधना करके वो जितना सीनियर बना है, नहीं तो वो जो बन रहा है उसको वो बैकअप मतलब करे, हाँ ठीक है मैं करूँगा अभी अच्छा सीनियर बनने का प्रयास करूँगा, जितना मैं बोल रहा उतना करूँगा अभी, तो एक है वो है। और फिर उसका एक फिर और एक विकल्प है, फिर सोचता है मैं ठीक है मैं ऐसे ही एक झूठा अपीयरेंस बना के रखूँगा, एक झूठी इमेज बना के रखूँगा कि हाँ ठीक है मैं इनको ऐसे दिखाऊँगा पर अपना ही कुछ अलग करूँगा। तो फिर ये ऐसा होता है। फिर तीसरे इसमें क्या होता है, वो इतने मतलब वो धोखे में खुद ही धोखा खा जाता है। फिर जब वास्तविकता उसको मतलब ये मतलब हिट होने लगती है तो वो झेल नहीं पाता वास्तविकता को, वो इतना फिलोसफी इतना सब श्लोक वो कैसा मुंह पे बोलता है लोगों के, बट जब खुद वास्तविकता का जब आता है तो वो सहन नहीं कर पाता, वो रोने लग जाता है, वो समझता है मैं क्या करूँ, तो फिर वो वास्तविकता को छुपाने लग जाता है कि नहीं नहीं वास्तविकता ये नहीं है वो है, फिर वो बहुत ट्राई करता है कि मेरे को ये ना हो। तो हमें चैतन्य चरण प्रभु बताते हैं कि हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए, कि हमें मतलब हमें खुद को सच खुद को पहले हमें बताना चाहिए कि हम क्या है जीव है, क्या कार्य है हमारा। तो हमें अगर हमारा जीवन हमें कृष्ण कॉन्शियस में आके हमें किसी को दिखाना नहीं, वी शुड हैव सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन रादर देन डिसेप्शन। जब तक वो बोलते हैं ना वो बदल नहीं आ रहा दिल, जब तक आपका दिल निर्मल नहीं हो रहा, बदल नहीं आ रहा वो दिल में, तो आप कितना भी
फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन, कितना भी कर लो, कितना भी भक्ति शास्त्री कर लो, उसमें परिवर्तन, जब तक हृदय में परिवर्तन नहीं आता तब तक यू कैन नॉट बी अ डिवोटी। ये कुछ भी कर लो, आप संन्यास हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, इट डजेंट वर्क। आपको जब तक हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा आप नहीं कर पाओगे। तो और फिर हम देख सकते हैं जो ये आत्मा प्रवचन आके जो लोग होते हैं, ये जो इसमें एकदम घुल जाते हैं, नहीं तो एकदम उसके शिकार हो जाते हैं ना, उसके कारण वो दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। अगर उसको वास्तविकता को छुपाना है वो दूसरों को मार देगा, ये कर देगा। हम देखते हैं नेताओं को, वो किसी को गायब कर देंगे, जैसे कि हम मुंबई में बहुत बड़ा केस हुआ था, वो भी पुणे में भी, पुणे में भी बहुत बड़ा केस हुआ, किसी ने उड़ा दिया था गाड़ी से। लोग कैसे छुपाते हैं, हम फिर देखते हैं कि IAS ऑफिसर लोग छुपाते हैं, कि वो इतना छुपाते हैं कि वो लोगों को दूसरों को मारना चालू कर जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि क्या मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सब भूल जाते हैं। प्रभुपाद जी नहीं, फिर भगवद गीता में तीसरे अध्याय के 6 श्लोक में कहते हैं कि जिसका वो कर्म इंद्रियों को वश में रखता है, बट जिसका मन इंद्रिय विषय पर ही लगा रहता है वह निश्चय ही अपने आप को धोखा देता है और उसे ढोंगी कहा जाता है। भगवान भी कहते हैं क्योंकि हम ट्राई करते हैं, हम भी स्टार्टिंग में कृष्ण कॉन्शियस में रहते हैं, तो हम ना हम ये नहीं करते कि हम इंद्रियों को वापरेंगे नहीं, हम यूज़ नहीं करेंगे, बट हमारा मन उधर ही लगा रहता है, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता। वो साधु ऐसा बैठा रहेगा, ऐसा ओम कर रहा है, ये कर रहा है। हम बहन मतलब आप देखोगे काशी के साइड में जाओगे, कैसा कैसा अलग अलग मौन व्रत रख के, इतने सालों से रखते, कुछ बोलते नहीं, अपने अंगों को काट देते हैं। सन्यासी, आप मायावादी सन्यासी देखोगे, वो अपना वो वाला अंग गायब कर देते हैं, क्यों, मतलब अट्रैक्शन ना हो, बट हमारा जो डिज़ायर है वो तो मन से आता है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारा डिज़ायर कहाँ से आ रहा है। वो सिर्फ हमारे इंद्रियों से ही नहीं है उत्पन्न हो रहा, सिर्फ उसके कॉन्टेक्ट से ही नहीं, बट हमारा मन भी, मतलब ये इंद्रिय और मन एक साथ काम करते हैं। और फिर अगर हमने वो अंग काट भी दिया तो भी वो जो डिज़ायर है, तो वो हमें वो डिज़ायर को कंट्रोल में करना है। अगर वो हम नहीं कर पा रहे, हम ढोंगी है, वो हमें मान लेना चाहिए कि हम ढोंगी है, हाँ हम ये नहीं कर पा रहे। और हमें एक सीनियर वैष्णव ने तो अपने गुरु के शेल्टर को लेना चाहिए और उनमें जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट में कहते हैं कि देर आर मैनी मिथ्याचारीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट हु डोंट वर्क जस्ट स्पीक अबाउट ड्राई फिलोसफी। तो वो बता रहे कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अच्छा मतलब ये इसको मतलब हम जा रहे मंदिर में तो ये मिथ्याचारी वो मिथ्या, हमें नहीं, हमें खुद के बारे में देखना है कि मैं मिथ्याचारी हूँ क्या, मेरे को अच्छा बनना है, मैं इधर मंदिर में हूँ। क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि अगर मंदिर में कोई है और उससे गलती हो गया तो हाँ मतलब बहुत जज करते हैं। एक्चुअली हम देखा जाए, हम मंदिर में जाते हैं, डिवोटीज जज वेरी मच उसके भारी अपियरेंस से, नहीं तो वो मतलब वो बोलता कैसा है, उसका बाल चाल कैसा है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए एक्चुअली, बट स्टिल हम कर बैठते हैं। तो और नहीं तो सिर्फ उसने इतना इतना बड़ा डोनेशन किया, नहीं तो इतना बड़ा डोनेशन लेके आया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि तो हमें वी हैव टू बी ट्रू टू आवर सेल्व्स, जिससे दूसरों का भी फायदा हो। और हमें ये देखना, और एक इसका एग्जांपल मेरे पास और एक है, हम कोविड के टाइम पे हम देख सकते थे, लोग अपने को कोविड से वो इतना डर जाते थे कि वो लोग हॉस्पिटल से ही डरते थे, जिनको कोविड होता था वो बताते ही नहीं थे कि मेरे को कोविड है। बट उसके कारण क्या हुआ, कोविड और पसरने लगा और जाने लगा सबको, फिर और लोग मरने लगे। दैट इज़ द थिंग, अगर आपको कुछ है बीमारी बैठो क्वारंटीन हो जाओ। तो हमें भी अगर भक्ति में अगर तुम ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें क्वारंटीन हो जाना चाहिए, हाँ प्रभु ऐसा ऐसा है, आई विल टेक टाइम फॉर माई सेल्फ, आई विल हील माई सेल्फ एंड देन आई विल डू माई सर्विसेज अगेन। और ये अच्छा है ना, आप जितना अपने सीनियर से सच बोलोगे, हाँ प्रभु मेरे में इतना इतना प्रॉब्लम है, मेरे में थोड़ा ईगो का है, एनवी है, वो सब है, तो उससे झगड़े भी कम होंगे, उससे मूवमेंट भी अच्छा चलेगा और सब कुछ अच्छा होगा। और चैतन्य चरण प्रभु कहते हैं कि अगर हमारा कृष्णा कॉन्शियस में, अगर हमारा जो भी माइंडसेट है वो हमारा प्योरिफिकेशन,
शुद्धता, शुद्धि के तरफ होना चाहिए कि हमें शुद्ध होना है, हमें शुद्ध होना है, हमें शुद्ध होना है। ऐसा रहा तो हम पूर्ण तरह शुद्ध होने का मतलब फिर भगवान को जो मेन प्रिंसिपल है भगवान की भक्ति उसको टच कर पाएंगे। अगर वो नहीं हो रहा है तो हमारा, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम शुद्ध नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने जो बुरी चीज़ है उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, हमें खुद में ऐसा सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शुद्धि के मार्ग पे चल रहा हूँ, शुद्ध करना चाहता हूँ, कि मैं सिर्फ अपने जो बुरी गलती है उनको छुपाना चाहता हूँ। ऐसा तो हमें जानना चाहिए कि हम क्या हैं। तो एक सेल्फ डिसेप्शन पे एक बहुत अच्छा पास टाइम है जद्दू रानी माता जी का। जद्दू रानी माता जी, आई एम वाज सो लकी कि जद्दू रानी माता जी ने इस पे पेंटिंग बनाया सेल्फ डिसेप्शन का। तो शी मेड अ पेंटिंग, आई विल ट्राई टू शेयर इट विथ यू। तो इसका बहुत अच्छा, मैं एक मिनट आपको पेंटिंग शेयर करके मैं आपको बता देता हूँ कि तो ये वो पेंटिंग है जो जद्दू रानी माता जी ने बनाया था सेल्फ डिसेप्शन पे। तो वो बता रही थी कि प्रभुपाद जी ने मुझे कहा था कि पेंटिंग्स बनाओ। तो वो ये श्लोक उन्होंने पढ़ा था, तो उन्होंने बताया था कि ब्रह्मा जी, तो हम देखते हैं, तो ये चैप्टर का ही पेंटिंग है वो, क्रिएशन ऑफ फोर कुमारस। तो हम देख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं, सबको दिखाई दे रहा है, मैं जूम कर रहा हूँ तो। हाँ प्रभु, हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकल रहे हैं, जो ये वेद है, फिर जो भी ज्ञान है वो इधर से निकल, फिर हम देखते हैं ये मुख से पुराण है, फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ से देखो ब्रह्मा जी के से जो चार वर्णाश्रम है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, हम देख सकते हैं बहुत है। हम आगे ये सब पढ़ेंगे उनके बारे में भी कि क्या है। तो जब जदुरानी माता जी ये सब बना रही थी, तो डिवोटीज ने उनको, मतलब उनको डिवोटीज भी हेल्प कर रही थी कैसे पेंटिंग बनाया। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम फियर ऑफ डेथ बनाओ ऐसा, फिर एंगर आफ्टर फ्रस्ट्रेशन है जो इसके बाद था, हताश के बाद क्रोध, उसके फिर जो मोह माया शारीरिक धारणा है ये, और जो मिथ्या स्वामित्व है ये, तो फियर और डेथ, ऐसा जदुरानी माता जी ने चार बना दिया। बट माता जी वॉज कन्फ्यूज कि मैं ये कैसे ड्रॉ करूँ। सेल्फ डिसेप्शन, अगर हम आप किसी को बताया गया कि सेल्फ डिसेप्शन क्या है, हाँ तो समझ में नहीं आता ना सेल्फ डिसेप्शन क्या बना है। इग्नोरेंस भी आया है, हम बना देंगे कुछ ना कुछ, कुछ ऐसा ड्रॉ करके ऐसा कुछ तो बना देंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ बता। बट सेल्फ डिसेप्शन बहुत, जो ये आत्मा प्रवंचन है वो कैसे बना है, ये झूठ बोलना, हम झूठ बोलना ड्रॉ नहीं कर सकते ऐसा। तो फिर वो जाती है प्रभुपाद जी के पास, फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं जो सेल्फ डिसेप्शन है और इग्नोरेंस में बहुत भेदभाव है। इग्नोरेंस क्या होता है, इग्नोरेंस का एक एग्जाम्पल है कि जब वो व्यक्ति रेगिस्तान में रहता है, तो रेगिस्तान में उसको मिराज दिखता है, मिराज में उसको वो दिखता है कि उधर पानी है, वो है, तो उसके तरफ जाता है, वो ठीक है, उसको इग्नोरेंस कहेंगे हम, उसको सेल्फ डिसेप्शन नहीं। सेल्फ डिसेप्शन कब कहा जाता है, जब ये व्यक्ति को हम देख सकते हैं वो सिगरेट पी रहे हैं, उसको मालूम है कि उससे वो पिएगा तो वो मरेगा, पैकेट में भी लिखा है कैंसर, वो जब वो उसको फील भी होता है, वो इतना वो गरम गरम धुआं अंदर जाएगा उसको डिस्ट्रॉय करेगा, उसका लंग्स खराब हो जाएंगे, सिर्फ लंग्स खराब नहीं होता उससे इनफर्टिलिटी, बहुत कुछ, पूरा बॉडी का सत्यानाश होता है, उसका हृदय खराब होगा, तो भी वो करता है, उससे ये पीता है। क्योंकि क्या है, मतलब मैंने भी अपने कॉलेज वालों को पूछा है कि तुम क्यों पीते हो, वो क्या बताते हैं, उससे ना वो थोड़ा आनंद मिलता है। तो वही है, ये सेल्फ डिसेप्शन में हम रहते हैं कि हम वो कर लेंगे इंद्रिया, और फिर कोई देखेगा नहीं, हम चुपके से कुछ काम कर लेंगे, बट वो उसका नुकसान हो रहा है, उसको लग रहा है, वो किसी को माँ बाप को नहीं पता है क्यों नहीं, बट उसका नुकसान हो रहा है, बहुत अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, उसको समझेगा भी नहीं बाद में क्या हो रहा है, उसका बहुत नुकसान होगा। फिर हम देख सकते हैं कि हम भी कभी ऐसा छुपके से कार्य करते हैं, हम धोखा भी देते हैं, हम सबसे पहले खुद को धोखा देते हैं। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। दिस वॉज द फोटो आई वॉन्टेड टू शेयर। और अभी हम दूसरे इस पे जाएंगे, बढ़ेंगे, विच इज फियर ऑफ डेथ, जो भाई, जो मृत्यु का भय है। तो मृत्यु का भय, इतना मतलब मृत्यु को इतना भयानक पता गया शास्त्रों में,
जो 10,000 बिच्छू वो एक साथ डंक मारते हैं उसका मतलब। और फिर जो यमराज आते हैं ना, तो यमदूत आते हैं, वो ऐसा अपना वो सब पास डाल के ऐसा खींचते हैं, तो वो पूरा सेंसेशन फील होता है। कोई अगर आपने देखा रहेगा जिसका मृत्यु होता है, तो उसको मतलब अगर अच्छा रहा, वो नॉर्मल मृत्यु हो रहा है उसका हार्ट अटैक से, तो भी इतना भयानक रहता है, वो मल मूत्र त्याग देना चालू करता है, उसको समझता नहीं है। फिर हम शास्त्रों में भी देखते हैं, अगर वो मृत्यु किस टाइम पे हुआ, अगर वो उत्तरायण में हुआ, दक्षिणायन में हुआ, उत्तरायण में हुआ तो ठीक है, दक्षिणायन में हुआ तो प्रॉब्लम है। पर भक्त को हम जानते हैं कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, भक्त को फर्क नहीं पड़ता, उत्तरायण हो दक्षिणायन हो, वो भगवान की स्मृति में एकदम रहता है, वो फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये फियर ऑफ डेथ क्यों है, क्योंकि डेथ क्या है, वो काल है, और काल क्या है, भगवान है। तो जो अभक्त है उनके लिए भगवान ऐसे आते हैं काल के रूप में, कि हाँ ठीक है तुमने एंजॉय किया, तुमने ये किया, तुमने मेरी भक्ति नहीं की, इसे मैं तो तुम्हें ही लेके जा रहा हूँ। तो कितना अच्छा है ना, भगवान क्या है, ऐसे काल का भी वही रूप लेते हैं, ठीक है हाँ ठीक है तुम्हें मरना भी है तो मेरे हाथ में आके मरो, मेरे इसमें आके मरो। इसीलिए जो भक्त रहता है, प्रभुपाद जी भी कहते हैं, उसको कुछ नहीं लगता। जब तक बच्चा अपनी माँ के गोदी में खेलता है, उसको डर नहीं लगता वो गिरेगा कि नहीं, उसको मालूम है हाँ ठीक है मम्मी के गोदी में वो कितना भी खेलता है, कितना झटपटाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे ही टेबल पे बैठ जाता है वो, अगर वो इधर उधर हुआ, वो टेबल से गिर सकता है, बेड से गिर सकता है, उसका कोई है नहीं। तो फियर ऑफ डेथ पे सचिन नंदन स्वामी महाराज ब्लॉग में लिखते हैं, मतलब ब्लॉग में लिखे थे कि एक हरमन हेस, एक बहुत बड़ा पोएट है वो, जर्मन पोएट, तो उन्हें कहा था कि देर इज नो डेथ, ओनली फियर ऑफ डेथ डेट कैन बी क्योर्ड। मृत्यु ऐसा चीज नहीं है, बट मृत्यु का भय है, बट वो भी ठीक किया जा सकता है। तो हम देखें कि मृत्यु हमें नहीं होती, हम हमारा सिर्फ शरीर बदलता है, हम देखते हैं भगवद गीता में, वो बस ऐसा, वो हम जैसे कपड़े उतारते हैं वैसे ही होता है, हमें बस ऐसे कपड़ा त्यागना है। तो हम इसके बारे में देख, हम देख नॉर्मल में इसी, अब भौतिकवादियों से बात कर रहे हैं तो अपने ऑफिस में से डेथ का नाम ले ना, सब डर जाते हैं, बाप रे ये मृत्यु हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि हम जिसके साथ टाइम स्पेंड किए हैं वो अचानक से गायब हो गया, अभी अभी क्या करेंगे हम। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, जो फियर ऑफ डेथ है वो मतलब समझ ही नहीं आता उसके साथ क्या हुआ कैसे हुआ। जैसे कि अगर आप लकी हो तो नॉर्मल डेथ मिलेगा, नहीं तो बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि वो कोई डूब के मर जाता है, कोई बाड़े में मर जाता है, कोई समझो कि फैन बिजली कड़क के मर जाता है, तो कोई सामने बैठा है कोई आ, हम नहीं जानते कि कैसी हमारी कैसे क्या मृत्यु हो। तो ये भय, अभी हम देखेंगे कि भय का मतलब बहुत लोग, मतलब जो डिवोटीज है उनको डर नहीं लगता बिल्कुल। जैसे कि परीक्षित महाराज इज सच अ वेरी गुड एग्जाम्पल, हम भागवतम में देखे हैं, उन्होंने जैसे ही श्राप मिला, वो 7 दिन में मरने वाले, निकल गए वो गंगा के किनारे, निकल गए उधर खड़े रहे, और सारे सारे जो ऋषि मुनिगण आए वो सब उनको देखते रहे। और फिर देवर, और फिर जब सुखदेव गोस्वामी आए, तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमानस्य सर्वथा। म्रियमानस्य सर्वथा मतलब, म्रियमानस्य मतलब मृत्यु, हाँ सर्वतः मतलब कौन से भी तरह की मृत्यु से, अगर वो मृत्यु हो रही है तो वो जो पुरुषस्य, जो यत कार्यम, जो कार्य है पुरुष का वो क्या है, उसको क्या सुनना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, उसको मतलब किस पे ध्यान लगाना चाहिए। तो भगवान सुखदेव गोस्वामी उधर के श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेताभ्यम, उसको भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है, उसको स्मरण करना है, तब भी उसका वो जीवन सफल हो पाएगा। और भगवान इतना है तो भगवान वो भी कहते हैं कि लव मात्र, तुम थोड़ा भी कुछ करो भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान अपने इसमें ले लेते हैं। फिर हम 6th कैंटो में देखेंगे, 15वें अध्याय में, कि चित्र केतु, अंगिरा मुनि चित्र केतु भी कहते हैं कि तुम ना, तुम्हें हमें पहले 3 चीजें करनी चाहिए, कि वो बताते हैं 26वें श्लोक में, कि पहले तुम्हें समझना चाहिए तुम आए कहाँ से हो। जो हर एक व्यक्ति चित्रकेतु को कहते तुम कहाँ से आए हो, तो फिर तुम्हें क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, और तुम्हें ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, तो वो समझना चाहिए। फिर हमें अपना जो असली पोजीशन है, रियल पोजीशन हमारा क्या है, हम भगवान के भक्त है,
जी मेरे स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, उसको हमें अपनाना चाहिए। और फिर उसके कारण हमारे डिटैचमेंट होगा, फिर हम उससे हो गए। ये अंगिरा मुनि ने कहा था। और ये फियर ऑफ डेथ हमें क्यों होता है? क्योंकि हमने एक फॉल्स ईगो के कारण, ये फॉल्स ईगो है जिसके कारण हमें ये भय की जो मृत्यु का भय है वो इतना सताता है। भागवतम ने भी कहा गया है कि 11वें कैंटो में भयम द्वितीय अभिनेश्वतः स्यात्। द्वितीय अभिष्यत स्वा, द्वितीय क्यों कहा गया है द्वितीय शब्द? क्योंकि एक होता है सोल और एक मैटर। हम जब मैटर के बारे में, हम मैटर के टाइम में अटैच रहेंगे, जितना हम महत्त्व के इसमें लगे रहेंगे नहीं तो, हम उतना वो डेथ हमें फील होगा, नहीं तो डेथ हमारा होता नहीं। और फिर हम देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है डेथ रिगार्डिंग, जैसे कि अजामिल, अजामिल को भी। और फिर हम देख सकते कंस, जितने भी राक्षस थे दे आर वेरी एग्जाम्पल ऑफ फियर ऑफ डेथ। कंस वॉज वेरी फियर, इतना उनको डर लगता था कि वो कृष्ण कृष्ण के बारे में ही सोचते रहते थे, वो चलता है तो भी कृष्ण के बारे में। प्रभुपाद जी लिखते ना कि वो मेडिटेटिंग अबाउट कृष्णा बट इन अ वेरी बैड वे, इसलिए उनको कृष्णा भी काल स्वरूप में। हम भी ऐसा, फिर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान के बारे में किस प्रकार से सोच रहे हैं। फिर पूतना थी, पूतना ने भी जब ही वामन देव को देखा पहले जन्म में कि वामन देव इतना छोटा है, ब्रह्मचारी है, मतलब इतना आया है, इतना इतना अच्छा, कितना कितना उनको स्नेह का भावना था। बट जैसे ही मालूम पड़ा कि ये भगवान है, उन्होंने अब उनके भाई को ऐसा कुचल दिया पैरों से, तो एकदम वो क्रोध हो गए और फिर उसे वो पूतना बने। और फिर हम देखते पूतना को भी कितना वो भय हुआ, वो इतना चिल्ला रही थी, वो इतना रो रही थी कि वो चाहती थी वो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बट भगवान नहीं छोड़ रहे थे, वो भी अलग भगवान की कृपा है। और फिर हम देखते अजामिल भी है। फिर हाँ, रावण का भी एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि रावण इतना डर जाता था, उसको जो राम से इतना भय था कि रा रा इतना भी बोल दिया तो वो डर जाता था। तो उसको भी कोई बुला लेता था रावण तो वो रा के पहले बहुत डर जाता था, क्यों इसका नाम लिया, क्यों इसका नाम लिया, इतना डर, ये हो वो हो। और फिर एक बार ऐसा एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि जो विभीषण का घर था, विभीषण का एक छोटा सा खोली था, उसका घर भी नहीं था, तो उसके क्वार्टर्स में सब जगह अंदर वहाँ ये लिखा था राम 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 राम। तो रावण एक बार उसके क्वार्टर्स में घुस जाते, बोलते ये क्या है, सब जगह दीवारों पे राम 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 लिखा, ये क्या क्या लिखा है तुमने, क्यों लिखा है तुम्हें, तुम जानते नहीं हो मेरे को कितना भय होता है, कितना मैं उससे नफरत करता हूँ राम नाम शब्द से, मेरे को कोई ऐसा बुला भी लेता तो मेरे को डर लगता है। तो विभीषण थे वो खड़े थे, बोले बाप रे ये आ गया, अभी ये सब मिटाने बोलेगा, ऐसा कैसे कर दूंगा मैं, भंग कर देगा। तो वो रावण को बोलते हैं कि रा मतलब रावण, म मतलब मंदोदरी, मैं आप दोनों का ये स्मरण कर रहा हूँ। तो दिस स्टोरी वाज फ्रॉम अमोघ लीला प्रभु। तो कि इनका मतलब स्टाइल ही अलग था। तो हम देख सकते हैं कि कितना भय रहता है लोगों को, वो मतलब नाम से भी डर जाता है वो इंसान के, मतलब भगवान के नाम से डर जाता है। तो हमें देखना चाहिए जो हम जो भय है वो भय क्यों, किसको होता है और किसको नहीं होता, हमें वो समझना चाहिए। वैष्णव को नहीं होगा उसका भय, भय भी हुआ तो भी भगवान उसको बराबर टाइम पे उसको याद दिला देंगे, उसको दिखाएंगे हाँ कुछ नहीं मैं ही हूँ वो, तुम्हें मेरा ध्यान करना है। जैसे कि एक भक्त है, तो एक बार मेरे फादर ने एक बार वैसा बताया था कि वो जैसे भक्त है वो हरिद्वार में थे शायद, और वो गंगा में स्नान करने गए और गंगा में इतना वो तेज आया कि वो थोड़ा आगे मतलब डूबने पे आ गए थे, इधर तक पानी भर गया था और डूबने पे आए। और उनको फिर किसी भक्त ने दूसरे ने पूछा आपको लास्ट में क्या याद आया, तो वो बोले कि वो निर्मा का वो जो गाना है ना, वॉशिंग पाउडर निर्मा वॉशिंग पाउडर। तो इतना है, तो मतलब कितना भी बड़ा भक्त हो उसको ऐसा आ रहा है तो हमें कितना मेहनत करना चाहिए कि ऐसा ना आए। और फिर हम देखेंगे एंगर आफ्टर फ्रस्ट्रेशन, जो गुस्सा आता है हमें, जब गुस्सा कब आता है हमें, जब हम हताश हो जाते हैं। हताश क्यों होता है, जब हम अटैच रहते हैं। अटैच किससे रहते हैं, जो हम
जो अटैच किससे होता है, वो कार्य से होता है जिससे हमारी इंद्रियों की तृप्ति हो, वो जितना है वो इंद्रियों की तृप्ति में वो लग जाता है। और वो कभी कभी इंद्रिय अमोघ लीला बता रहे थे अपने भगवद गीता में, एक जब भी कोई नया चीज ट्राई करना चाहता है, कुछ इंद्रियों का मतलब आनंद लेना चाहता है, वो आनंद ले लेता है, फिर नेक्स्ट टाइम और आनंद लेना चाहता है, बट उसको जो आनंद चाहिए रहता है वो उसको मिलता नहीं उतना आनंद, उसको बहुत ज़्यादा आनंद चाहिए रहता है बट उसका वो इंद्रिय इतनी सक्षम नहीं होती तो वो आनंद ले पाए, तो उसके कारण भी उसको हताशा होती है और उसके कारण वो क्रोध आ जाता है, वो क्रोध के कारण फिर मतलब फिर वो जब क्रोध में आता है वो सोचता है मैं किस पे क्रोध निकालूं, इस पे निकालूं, ब्लेम 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 ब्लेम, फिर वैसा करते हैं, फिर वो ब्लेम करने भी नहीं मिलता तो फिर वो हताश मतलब एकदम क्रोधित हो जाता है और फिर वो देखता है किसको मारूं मैं, इसका मैं ये नहीं कर पाया तो इसको मार दूंगा, इसको मार दूंगा, इसको दूंगा। हम कितना देखते हैं कि गुस्से में आके किसी ने किसी को मार दिया, माता पिता को भी मार दिया, बहन भाई सबको मार दिया। अब अमेरिका में देखो कि ये वाला केस बहुत है कि अपने बच्चे को भी मार दिया इतना, तो फिर भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि हम जो गुस्सा मतलब हम रहता है वो किसके जैसा है, एक गरम गरम कोयला लेके हाथ में रखा है हम लोग ने और हम वेट कर रहे हैं किसको हम फेंके, तो तब तक क्या हो रहा है हमारा हाथ जल रहा है। तो इसको दिल्ली में भी एक लेक्चर था, वो कहते हैं कि द ओनली वे टू रिड्यूस एंगर इज टू डिटैचमेंट। आप इधर साइकोलॉजिस्ट लोग का भी आप देखोगे, साइकेट्रिस्ट है, वो लोग भी वही कहेंगे आप अटैच हो इसलिए आपको प्रॉब्लम है। वो अंधविश्वासी भी रहेगा तो भी बोलेगा आप कुछ नहीं, आप भगवान पे भी विश्वास मत करो पर तो भी आप डिटैच हो। तो अगर किसी को अंधविश्वास भी है, उसको भगवान में नहीं रहना है, उसको भगवान के बारे में नहीं सुनना, तो भी उसको डिटैच होना पड़ेगा। तो डिटैचमेंट इज इम्पॉर्टेंट अगर आप अंधविश्वासी भी हो तो भी। और फिर अमोघ लीला प्रभु एक कथा सुनाते हैं कि एक बार सात्यकी, कृष्ण भगवान और बलराम जी वैसा जंगल में चल रहे थे, तो शायद से महाभारत की कथा है, तो वो तीनों चल रहे थे, तभी एक उन्हें ना फिर वो रात हो जाती, तो रात में वो सो जाते तो सात्यकी पहरा देते हैं, देखते हैं इधर अच्छा ये सब कि कोई राक्षस ना आ जाए, कोई भेड़िया वेड़िया कुछ कोई ना आ जाए, तो वो रुके रहते हैं ना। तभी एक ना अचानक से ना किधर से तो राक्षस आ जाता है, तो वो राक्षस आता है तो ना सात्यकी से लड़ना चालू करता है, बट जितना उससे लड़े वो उतना पावरफुल होता जाता है, वो जितना उसको मारो मारो वो और बड़ा हो जाता है और ये, और फिर सिर्फ लड़ते रहते लड़ते रहते लड़ते रहते, सात्यकी थक जाते, तब तक सुबह हो जाती है, तब तक राक्षस गायब हो जाता है, उनको मालूम है सुबह हो जाएगी ये तीनों आके मारेंगे तो राक्षस भी गायब हो जाता है, और उसका सिर्फ नाइट उसको सिर्फ रात्रि में ही उसमें ताकत रहती है, रात्रि में ताकत रहती है, तो वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट दिन फिर बलराम जी फिर कृष्ण बलराम को बोलते हैं आप दोनों सोए थे तभी एक राक्षस आया था, मैं इतना लड़ा उससे वो, और फिर सुबह उठ के चला गया, जैसे ही सूर्य उदय हुआ भाग गया उधर से। तो फिर तो बलराम जी बोल रहे ऐसा कैसा राक्षस है, मैं उससे लड़ता हूँ, मैं क्या किसी को भी हरा दूंगा, कृष्णा तुम सो जाओ मैं देखता हूँ पहरा देता हूँ। तो जब ये दोनों सोए थे तभी वापस वो राक्षस आया, वो बलराम जी को भी एकदम ये हो गया, बलराम जी हम जानते कितने बलवान है, वो तो बलराम उनके नाम में ही बल है, तो वो इतना फाइट करते तो भी वो बलराम जी भी एकदम फाइट कर रहे, उसको कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ भी मारो वो और बड़े होते जा रहे हैं और गुस्सा करो तो और बड़े होते जा रहे हैं। तो फिर वो देखते हैं कि कुछ हरा ही नहीं पा रहे इस इंसान को मतलब राक्षस को, तो फिर वापस सूर्योदय होता है, वो वापस भाग जाते हैं उधर से राक्षस, मतलब चलो भाग जाते हैं। तो बलराम जी फिर बोलते भाई ये कौन सा राक्षस है, ये कुछ कर ही नहीं पा रहे कृष्णा, तो बताओ क्या करें। तो फिर वो बोलते हैं कि जो फिर कृष्णा बोलते हैं तुम दोनों रहने दो, तुम लोग से कुछ काम नहीं होता, एक पैरा देना रहता, पैरा भी नहीं दे पाते, मैं देखता हूँ। तो वो सब सो जाते तभी कृष्णा देखते हैं, तो देखते वो राक्षस आता है, वो राक्षस आता है रात को राक्षस आता है, और फिर ना वो जैसे ही राक्षस आता है ना कृष्णा जोर जोर से हंसना चालू कर दे, हा हा हा। तो वो राक्षस था, फिर वो राक्षस ऐसा रहता है और फिर मालूम पड़ता है वो राक्षस एकदम छोटे छोटे साइज, एकदम छोटा 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 होने लग जाता, एकदम ऐसा छोटा जाता है इतना एकदम एकदम एक उंगली के समान हो जाता है, और फिर उसको भगवान ये कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो फिर जब भी बलराम जी और सात्यकी ये सब सुनते और देखते हैं, वो बोलते ये कैसे किया तुमने, बोलते वो राक्षस का मेन पावर था गुस्सा, मतलब वो तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा ताकत लेके जितना भी है उससे और उसको ताकत मिलता था रात्रि में, तो वो मैंने उसको सिर्फ हंसा, मेरे में था नहीं कुछ, मैं तो मेरे को आनंद ले रहा था, तो उसको वो उसको ताकत मिली ही नहीं।
गुस्से का कारण हम, और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दुर्वासा मुनि, हम देख सकते हैं उन्होंने वो राजा का नाम क्या था, हाँ अम्बरीश महाराज, हाँ अम्बरीश महाराज पे उन्होंने कैसा मतलब, मतलब गुस्से के कारण हम देखते नहीं कि वो डिवोटी है सामने, अगर डिवोटी भी ना रहा तो भी हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि सेंसेस आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। हम ये भी सब भी जानते हैं कि भगवान के कहते हैं कि सेंसेस आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इसे हमें उनको अपने सेंसेस को, इंद्रियों को भगवान में, भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए जिससे कि हम ठीक हो पाए। तो हम देख सकते दुर्वासा मुनि का कितना बुरा हाल हुआ था, सुदर्शन चक्र पीछे पड़ा है, वो किधर भाग रहे, शिव सब सब देवी देवता के पास जा रहे, कोई बोल नहीं रहा है, भगवान के पास गए, स्वयं भगवान बोल रहे नहीं तुम भक्त को जाके वो सॉरी बोल। तो देख हम वो एंगर के साथ समझ सकते हैं कि दुर्वासा मुनि पहले नहीं सॉरी बोला उन्होंने, सब उनको इतना घूमे वो तब भी जाके भगवान ने बोला तब, तो वी कैन सी हाउ डेंजरस, क्योंकि एंगर उन लोग से ज़्यादा होता है जिनमें ईगो बहुत है, विच इज ट्रू। और फिर हम देख सकते हैं ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, तो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये दोनों आता है, विच इज बॉडीली कंसेप्शन और सेंस ऑफ फॉल्स प्रोप्राइटरशिप। तो इसका हम एक मिनट फोटो बड़ा कर देता हूँ, ये सेंस ऑफ फॉल्स प्रोप्राइटरशिप है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके कारण ना वो भगवान को अपने समझ जाता है कि वो भगवान के बराबर है, और भगवत गीता में भी यह और भागवतम में लगाया गया ये माया का लास्ट जाल है। जब वो भगवान का अपने तरफ से समझ जाता है, वो समझ जाना चाहिए वो माया के अंतिम जाल में फंस चुका है। तो ये फॉल्स ईगो, ये फॉल्स ईगो बहुत मतलब ये बॉडीली कंसेप्शन है। तो बॉडीली कंसेप्शन के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है दधीचि मुनि। हम देख सकते हैं दधीचि मुनि इतना तपस्या करते थे, एक बार देवी देवता आए और वो देवी देवता ने बोला कि मुनि जी आपका हमें ये चाहिए, क्या बोलते हैं आपका हड्डी चाहिए। तो वो दधीचि मुनि बोले ठीक है पहले मेरे को अपना प्राण त्यागने दो फिर हम हड्डी दे दो। इतना मतलब कैसा, अभी हमारे खुद को हड्डी वड्डी मांग लिया तो हम पहले लड़ेंगे उससे कि ये नहीं ऐसा क्यों मांग रहे हो, ये मत दो वो मत। तो फिर हम देखते और किस किस को मतलब नहीं था, हम देख सकते हैं कि बलि महाराज को कभी भी ऐसा फॉल्स ओनरशिप का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बलि महाराज का इतना बड़ा किंगडम था, उन्होंने वो उन्होंने तीन पग माने हैं तो तीसरा पग रखने के लिए कुछ नहीं था तो अपना सिर दे दिया, आप इधर रख दो, पर तो भी भगवान ने उनको क्या दिया। हमें समझना चाहिए कि कभी कभी हम अपने ना मतलब अगर गोल्स के पास नहीं तो भगवान के पास इतने करीब रहते हैं, बट ये सब ऐसा छोटी मोटी गलतियां करके हम फंस सकते हैं। बट बलि महाराज जैसे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि हम अगर हम्बल रहे तो हम भगवान को पा सकते हैं। क्या नहीं मिला बलि महाराज को, इतना बड़ा अच्छा वंशज मिला, प्रहलाद महाराज जी उनके मतलब ऐसा ग्रेट ग्रैंडसन मिले, ग्रैंडसन ना बलि महाराज, यस ग्रैंडसन मिले। तो और फिर हम देख सकते हैं सुदामा, सुदामा भी मतलब हम देख सकते हैं जब भी कृष्णा वो चावल खा रहे थे तो उन्होंने जब उन्होंने वो चावल खाया तो पहले मुट्ठी में ही सब कुछ रुक्मिणी जी जो लक्ष्मी जी है उन्होंने सब कुछ धन दे दिया था, सब सारा तीनों लोगों का जितना भी धन था, जितना भी वैकुंठ का धन था वो दे दिया था सुदामा जी को। फिर दूसरा खाने जाता तो रुक्मिणी जी ने रोका, नहीं नहीं मत दो, पहले से दे दिया है, अगर आपने वो भी खा लिया है तो मेरे को जाके उसके साथ रहना पड़ेगा। तो हम देख सकते थे कि ऐसा भी ये होता है। तो फिर और एक एग्जांपल है फॉल्स ईगो का और ओनरशिप का है, वो है इंद्रदेव। इंद्रदेव का हम देख सकते हैं कृष्ण लीला में ही दो बार वो कृष्ण से वो ये करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो पहले वो हम देखते गोवर्धन का, वो इतना वो बाढ़ ला देते, इतना बारिश करवाते, इतना क्योंकि उनकी पूजा नहीं की और गोवर्धन की पूजा की, वो इतना मतलब इतना बड़ा इतना परेशान करता है। और फिर वो बाद में आके भगवान को सॉरी बोलते हैं, हाँ सॉरी भगवान मैं भूल गया। फिर वापस वो वही क्या करता है, वापस जब सत्यभामा को परिजात का ट्री पसंद आता है वो परिजात के वृक्ष के लिए वो झगड़ा करता है, सिर्फ एक वृक्ष था, ऐसा भी नहीं वहाँ पे तो इतना सारा वृक्ष रहता है अलग अलग टाइप के,
इतना काम मतलब रहता है, तो भी वो एक पारिजात के वृक्ष के लिए इतना झगड़ा कर लिया था। और हम देखे डिवोटीज कहते हैं कि इंद्र ने सिर्फ 7 दिन में भगवान को भूल गए, क्योंकि जो उन लोग क्योंकि जो भगवान जो इंद्रदेव का जो ये था टाइम था वो सिर्फ 7 दिन, मतलब हम देख सकते हैं कि पहले दिन पे उन्होंने देखा कि उन्होंने भगवान पे वर्षा करके वो सॉरी वॉरी बोला, फिर 7 दिन में जब भी कृष्णा बड़े हो जाते, हम देख सकते हैं कि तब तक कृष्णा बड़े हो जाते, वो उनका सब विवाह हो जाते, हम देख सकते हैं कि सिर्फ 7 दिन में भगवान को भूल जाते हो, तो हमें देखना चाहिए। और जो फॉल्स ईगो है वो उसको ऐसा बताया गया है, इसके त्रिशूल जैसा है, उसके 3 त्रिशूल के जो 3 हैं उसका है वो, पहले हम क्या करते हैं उसको भव्यता भव्यता के लिए करते हैं पॉलिसी को, क्योंकि इतना भव्य, हाँ इतना मेरे को, हाँ जो हम जो फॉल्स ईगो है कि हम उसको देख पाते हैं कि जो भव्यता है हम भव्यता के लिए इतना करते हैं कि हमें इतना कुछ सब कुछ चाहिए, इसलिए हम इतना वो हम धन को ये करते हैं, हाँ इतना भव्य, हम इतना भी सोच लेते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं उनके भी एकदम अच्छे से लाइफ हो, इसलिए हम वो करते हैं। फिर भव्यता के बाद फॉल चुके बाद हम दोष, अगर वो अगर हम भव्यता नहीं कर पाते ना तो हम दोष देना चालू करते, ये इसके कारण हुआ इसके कारण हुआ, नहीं नहीं मेरा मेरा इसमें ही खोट है, मैं किसी और में खोट है। फिर अगर दोष भी नहीं दे पाते हैं फिर हम खुद को शर्म आती है, फिर हमें शर्म के कारण लोग क्या क्या कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं इतना, फिर हम देख सकते हैं विच इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो हमें फॉल्स ईगो को हमें कंट्रोल करना चाहिए। हम लोग ने ये 5वें अध्याय में फॉल्स ईगो के बारे में पढ़ा था, किसी को याद है वो कहाँ से आता है, किसी को याद है? प्रभु जी माता जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फॉल्स ईगो है वो आता है महत तत्व से, और यही फॉल्स ईगो फिर हम देखते हैं कि वो 3 चीजों में बढ़ता है, एक है कारण, एक है कार्य और एक कर्ता, कार्य कारण और कर्ता। जब ये फॉल्स ईगो मोड ऑफ गुडनेस के साथ जाता है तो मन बनता है, और जब वो पैशन के साथ जाता है तो वो सकाम कर्म, और जो स्पेकुलेशन है दर्शन शास्त्र के ऊपर जो शुष्क प्रवचन देना वो उसके वो बनता है। फिर हम देखते हैं कि अगर ये फॉल्स ईगो जब इग्नोरेंस के साथ आता है तो वो ध्वनि बनता है, और वो ध्वनि आगे जाके वो जो मटेरियल स्काई है मटेरियल आकाश वो बनता है। तो ये फॉल्स ईगो का इफेक्ट क्या है, तो प्रभुपाद जी अपने परपट में लिखते हैं, तो चीफ फंक्शन ऑफ फॉल्स ईगो इज गॉडलेसनेस, भगवान को भूल जाना, भगवान क्या है भगवान के अस्तित्व को भूल जाना, हमारा खुद का अस्तित्व जो सच्चा अस्तित्व है वो भूल जाना। तो फिर वो भूल जाने के बाद वो दो क्या करता है कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लग जाता है, अगर इंद्रिय तृप्ति कार्य करने के बाद वो क्या करता है वो भगवान को बराबर समझने लग जाता है। तो और एक एक अच्छा प्रसंग है कि एक बार डिसाइपल ने एक राधा गोविंद महाराज के पास जा रहे थे, तो अपनी मतलब सब फैमिली के साथ जा रहे थे, तो राधा गोविंद महाराज को बोलते हैं ये मेरा बच्चा है, फिर पत्नी आती है तो फिर बोलते हैं ये मेरी पत्नी है, तो राधा गोविंद महाराज बोलते हैं हाँ तो सिर्फ पत्नी बोलो ना, मेरी पत्नी बोलने की क्या जरूरत है। तो हम देख सकते हैं कि एलिवेटेड सोल्स कैसे सोचते हैं। तो फिर हम तीसरे जो श्लोक में देखते हैं कि ब्रह्मा जी बोलते हैं, इधर हम देखते हैं कि ऐसी भ्रामक सृष्टि के पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा जी को अपने कार्य में अधिक हर्ष अनुभव नहीं हुआ। तो हम परपट में देखते हैं इधर लिखा जाता है कि भगवान को ब्रह्मा जी को पसंद नहीं आया कार्य, ये इधर लिखा गया है पापमय कार्य, तो हम समझ रहे कि पर भगवान को ऐसा घृणा नहीं हो रहा है
कि मैं ऐसे कैसे जीव है कि मैं उनको ऐसा अलग से दे रहा हूँ, इनको कुछ समझ में आता है कि नहीं। वो घृणा नहीं कर रहे, उनको हमारे लिए ऐसा बुरा लग रहा है कि ये जीव को, जो इधर लिखते हैं प्रभुपाद जी, उन्हें यह कार्य इसलिए करना पड़ा क्योंकि अधिकांश बद्ध आत्माएं ऐसा चाहती थी इसीलिए। और वो यह भी लिखते हैं, जो भी स्वाभाविक है, यह स्वाभाविक है कि भगवत, जो भगवत भक्त है वो किसी को उसके असली पद से नीचे गिरता नहीं देखना चाहता। तो इसीलिए वो ब्रह्मा जी को बुरा लग रहा है, ही इज नॉट डिसगस्टेड, ही इज वेरी, मतलब उनको बुरा लग रहा है कि ये जीव ऐसा क्यों कर रहे, ऐसे नहीं उनको भगवान के कार्य में लगना चाहिए। इसीलिए वो भगवान को प्रेयर्स बोलते, तो वो बोलते भी है कि इसको क्या करना चाहिए। फिर देवी देवता को भी बोलते हैं कि तुम्हें जो आगे आएगा कैंटोज में, कि तुम्हें जो विश्व रूप है तुम्हें उसको अपना गुरु मान लेना चाहिए, जो तुष्ट के पुत्र है। तो ये बहुत अच्छा अच्छा प्रसंग है आगे। तो फिर हम वो भी देखते हैं कि ये जीवों को क्यों ऐसा दिया जाता है, बुलवाना क्यों पड़ता है। तो फिर तो हम देखते हैं एक बहुत अच्छा श्लोक है भगवदगीता, सर्वस्य चाम रिद्धि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपहनम च। तो भगवान उधर हम देखते ट्रांसलेशन में क्या है, सर्वस्य चाम, वो हृदय में भी है, भगवान सबके हृदय में, वो उनको ज्ञान भी देते, उनको याद भी दिलाते कि मरने के टाइम अच्छा मैं याद करो। बट क्वेश्चन आता है बुलाते क्यों, अपोहनम च क्या है, ज्ञानम अपोहनम च, क्योंकि सब जो जीव है उनको इंडिपेंडेंस, एक बोलते हैं ना हम, देखते हैं कि फ्रीडम दिया गया कि उसको क्या करना चाहिए वो। बट हम जानते हैं कि अगर वो जीव ही चाहता है कि वो, अगर तो भगवान इतने दयालु, अगर वो जीव को नरक में भी गिर रहा है तो भगवान उसको अच्छी तरह से नरक में गिरा, पूरा भुला देते उसको भगवान के बारे में, इसे वो नीचे नरक में जाता। तो एक बार हम, तो फिर हम इसी कारण हम अच्छा अच्छा कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को छोड़, मतलब हम देखते हैं सिर्फ ये सब कारणों से हम भगवान इस्कॉन को भी छोड़ देंगे, फिर भक्तों का संग छोड़ देते हैं। ये सब कारण ही है जो आप मेनली देखोगे डिवोटीज क्यों छोड़ते हैं, वाई दे लीव द मूवमेंट, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। और एक अच्छा मैं अब थोड़ा पास्ट टाइम बताऊँगा कि गोपाल कृष्ण महाराज यूज टू क्राई वेन एवर अ डिवोटी यूज टू लीव, बहुत मतलब वो सीधा रोते थे कि वो डिवोटी ने क्यों छोड़ा, इतना अच्छा डिवोटी था, इतना अच्छा ब्रह्मचारी था, कितना वो सेवा करता था, उसने क्यों छोड़ा। तो हम देखते हैं ये ऐसा भगवत भक्त है, वो ब्रह्मा जी जैसे, कि उनके बुरा लगता है कि क्यों छोड़ रहे जीव, ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए वो संतुष्ट नहीं थे, ब्रह्मा जी भी संतुष्ट नहीं है। हम जो हमारे डिवोटीज है आगे, हम अपने गुरु को भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, प्रभुपाद जी को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, सब सब डिवोटीज जा रहे। गोपाल कृष्ण महाराज तो बोलते थे कि तुम उसका पैर पकड़ो, कुछ भी करो, उसको जाने मत दो, उसको कुछ भी करो, बहुत ये करो, रिक्वेस्ट करो। हम तो हमें भी ऐसा ध्यान रखना चाहिए। और गोपाल कृष्ण महाराज वो सो डेडिकेटेड, वो चाहते थे सब भक्त इतने अच्छे के साथ, इवन इन द लास्ट विल, मतलब वो तो जाने वाले थे तो भी उन्होंने अपने लास्ट विल में लिखा सारे डिवोटीज को, नॉट ओनली डिसाइपल, सारे डिवोटीज को बोला कुछ भी तुम्हारा झगड़ा होता है तुम इधर ही इस्कॉन के अंदर सॉल्व करो, कुछ भी करो बट छोड़ो मत, संग मत छोड़ो, कुछ भी करो, एक साथ में रहो, भाई बहन समझ के रहो। इतना ये सेम वे आप देखोगे ना, ये प्रभुपाद जी ने भी कहा था, स्टे लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हेल्प ईच अदर, ऐसा स्टे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक बार उनको एक डिवोटी प्रभुपाद जी को पूछता है कि हम आपको खुश करने के लिए क्या करें, तो वो बोलते हैं बिकम फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस, बस इतना ही, इतना ही करो तो मैं खुश रहूँगा। तो दिस इज वॉट डिवोटीज वांट, जो भगवत भक्त है उनको ऐसे ही चाहिए। एक बार तमाल कृष्ण महाराज ने ऐसा, हम देखते हैं कि उन्होंने सारे टेंपल प्रेसिडेंट्स को बता दिया कि एक सन्यास का फॉल डाउन हो गया, तो प्रभुपाद जी ने उनको सीधा रोका, ऐसा किसको बोल सकते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वही कभी कभी हम ऐसा सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास नहीं करते, सीधा गॉसिप बन जाता है वो कि इसका फॉल डाउन हो गया, हम ऐसे, और फिर हम उस पर उपहास करते हैं कि हाँ हमें, हम तो जानते ही थे ये इसका कैरेक्टर ही वैसा था, वो आगे जाके ये होना था उसके साथ, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज को जब भी श्राप मिला तो वो गंगा किनारे बैठ गए, तो मतलब उस फॉर फास्टिंग, तो इतने सारे जो ऋषि मुनि आए थे, वेद व्यास जी खुद आए थे, असीत आए थे, देवल ऋषि आए थे, पीपल दल ऋषि थे, वो इतने आए थे, उन्होंने उनका कैरेक्टर को जज नहीं किया,
कि इसको तो श्राप लगा, एक छोटे से ब्राह्मण बच्चे ने उसको श्राप दे दिया, इतना बड़ा उसने घोर पाप किया है, एक एक ऋषि मुनि के ऊपर सर्प डाल दिया, ऐसा कोई करता है? ऐसा नहीं, तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, वो इतने वो बोलते कि हाँ ठीक है ये सब भगवान का ऐसा मतलब कुछ भी का मतलब ऐसा अचिंत्य चीज़ कराते हैं, अचिंत्य लीला करवाते हैं सिर्फ हम सिखाने के लिए। तो हमें डिवोटीज को ऐसा जज नहीं करना चाहिए चाहे कितना भी हो। और हाँ, हरे कृष्णा, ये आज का मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अमित प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक्स फॉर द क्लास। आपने और अच्छे से तेरा वॉइस ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। जस्ट एक ही ये बताना था कि एक राधानाथ स्वामी का मैं लेक्चर देख रहा था, तो उन्होंने बताया कि डेथ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द लाइफ। लोग इतना फियर क्यों होते हैं उससे? हम लोग आए भगवान के धाम से, भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है, तो जब हम रिटर्न यहाँ से जा रहे हैं अपने कर्मा करके, अगर अच्छे हमारे कर्मा है तो हमको रिटर्न भगवान के पास ही जाना है। तो अगर हम मटेरियल लाइफ के हिसाब से देखें, सो जैसे सपोज अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ या फिर बाहर से कहीं आ रहा हूँ, तो मेरे अगर पेरेंट्स है या फिर मेरे पिता है तो वो मेरा वेट करेंगे कि और मेरा वेलकम करने के लिए गेट पे रहेंगे कि एटलीस्ट मैं उसको गेट पे ही मिल लूँ। मतलब इस टाइप की मतलब बोलते हैं ना, बेसब्री रहती है। तो वैसे ही हम भी भगवान के बच्चे हैं, उनके ही भक्त हैं। तो अगर हम अपने अच्छे कर्मों की वजह से अगर वहाँ पे रिटर्न जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो भगवान हमारा इंतजार ही कर रहे हैं। तो वही वो बता रहे थे कि डेथ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। हमें उससे डरना नहीं चाहिए और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे से भक्ति करनी चाहिए और अपने धाम में भगवान के पास वापस हो जाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू, थैंक्स अगेन। बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया प्रभु, इट वॉज एनलाइटनिंग प्रभु। प्रतिभा माता जी, आपने हैंड रेस किया, बोलिए माता जी। नहीं, पूरा ना प्यार। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी। अरे मेरे मुझे ना पिक्चर अच्छी ठीक तरह से नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं बोलना चाहती थी। बाकी सब कुछ अच्छा है, बहुत लाख लाख धन्यवाद। थैंक यू माता जी। मैं आप वो पिक्चर सेंड कर दूंगा ग्रुप में बाद में, तो आप देख सकोगे, अच्छा क्वालिटी है, भेज दूंगा। विश्वंभर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? बहुत वेरी क्लियर प्रभु। ओके, कई बार ये हमको लॉग आउट होके फिर होना पड़ता है, इसलिए आज अच्छे से आ रही आवाज। तो प्रभु जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास दिया और बहुत सभी भक्त लोग क्लास अच्छे से देते हैं, लेकिन आपकी दो चीजें मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक तो बॉडी लैंग्वेज, अब मैंने पूरी क्लास में देखा आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके साथ थी, और ऑफलाइन होते तो शायद हम आई कांटेक्ट पे भी या आई ब्रेक पे भी हम देख सकते थे। और दूसरी चीज की आपके चेहरे पर एक स्माइल थी जो बहुत अच्छा प्रदर्शित कर रही थी सामने वाले को, कि सामने वाले का भी बहुत अच्छा कर सकते थे। और आपने कई जगहों से सुन करके एक घंटे का जो आपने ये एक कठिन टॉपिक पे जो आपने ये प्रवचन तैयार किया और उसको याद रखा, आपने बकायदा आपके पास पेन कॉपी सब आप साथ में लेके चल रहे थे, देखते क्या अच्छे से बता रहे थे। तो एक मैं तो यही कहूंगा कि फ्यूचर ऑफ इस्कॉन गोविंद चरण प्रभु जी, फ्यूचर ऑफ इस्कॉन, और हिज ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया, अपने बच्चे को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लेके आया। अब ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम भी अपने बच्चे को उन्हीं की तरह है। अपने परिवार वालों को भक्ति में लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गोविंद चरण प्रभु जी गोविंद प्रभु जी ने ये कठिन कार्य से कठिन कार्य इन्होंने किया,
अपने पूरे परिवार को, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, पद्मावती माता जी को, आपको सबको भगवान की सेवा में लगाया और आपको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि किस तरीके से आकर के किया जाए। और बहुत ही अच्छे से आपने बताया और बहुत ही अच्छी बात, तो एक तो वो जो आपकी क्लास में सब कुछ अच्छा था लेकिन मुझे भगवान श्री रामचंद्र वाला वो युद्ध विभीषण जी का अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत ही कितने अच्छे तरीके से जब वो राम को देखने को मिला तो उन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता से बता दिया कि ये राम मतलब रावण है, मैं मतलब मंदोदरी है, ये बहुत ही चतुराई है। तो मैं आपको भगवान से भगवान से प्रार्थना करूंगा मैं आपके लिए प्रभु जी कि आप बहुत अच्छे एक वक्ता बने और पूरे विश्व में आपका नाम फैले प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स प्रभु, और ब्लेसिंग्स दीजिए आप सब दीजिए। मैं अभी भी कच्चा हूँ, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स है स्पिरिचुअल लाइफ में और समझना मतलब और समझना है शास्त्र को अच्छे से, और अभी भी कच्चा हूँ, पका नहीं हूँ, मैच्योरिटी कम है, बट आप आशीर्वाद देते रहिए। मतलब किधर भी जाओ मतलब फिर भगवान को मतलब भूल ना पाओ, वो मेन है, दैट्स मेन थिंग, क्योंकि हम भूल जाते हैं, थोड़ा मटेरियल प्रॉब्लम आता है भगवान को भूल जाता है, तो वो मेरे साथ ना हो आप मतलब मेरे को वो याद दिलाइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं आपके साथ गोपी बहन और प्रभु प्रभु है, और आपका नाम तो पहले से ही आपके गुरु गुरु महाराज ने आपको दे दिया है, तो आपको कहीं कोई समस्या तो नहीं आएंगी, बाकी हमेशा आपके साथ प्रोटेक्शन रहेगा प्रभु जी ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू गोविंद, बहुत अच्छा क्लास था एंड बहुत अच्छे पॉइंट्स जमा किए थे, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि परपट में भी इतना कुछ था नहीं और वो श्लोक भी इतने कॉम्प्लिकेटेड थे, और जो जो पांच तरह के जो ऑब्स्टेकल्स जो ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं वो एक बार इंग्लिश में पढ़ना जरा, क्योंकि मुझे हिंदी में समझ में नहीं आया वो उसमें जो ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं पांच तरह की प्रॉब्लम्स, और उन पांच तरह के प्रॉब्लम्स को हर एक को बहुत अच्छा से हर एक जो था एक एक चीज को उसके ऊपर काफी पॉइंट जमा किए थे एंड यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी नाइसली, तो या वेरी गुड। जैसे विश्वंभर प्रभु ने कहा May the blessings of Guru be with you, all the Vaishnavas, सभी वैष्णवों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे, सभी भक्तों से यही प्रार्थना है उनको आशीर्वाद दे ताकि वो अपना भक्ति अच्छे से कर सके और अच्छे से अपना स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ता रहे। हरे कृष्णा, वो पांच एक बार इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हाँ, वो पांच है, सेल्फ डिसेप्शन, आत्म प्रवंचना जो है, मृत्यु का भय मतलब सेंस ऑफ डेथ, और एंगर आफ्टर फ्रस्ट्रेशन, हताशा के बाद जो क्रोध आता है वो, सेंस ऑफ फॉल्स ओनरशिप, और है इल्यूजनरी बॉडीली कंसेप्शन या फिर फॉरगेटफुलनेस ऑफ वंस रियल आइडेंटिटी। हरे कृष्णा, या थैंक यू, थैंक यू। तो और किसी का कोई टिका टिप्पणी नहीं है तो हम लोग रुकते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नृसिंह आरती की तरफ। पंथराज श्रीमद भागवतम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, इस्कॉन गुरु वृंद की जाए, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जाए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।